आज हम स्वीट कॉर्न से बनाएंगे बहुत ही मजेदार डोसा। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक हैं, आपके पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जल्दी बन जाता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। क्रिस्पी डोसा स्वीट कॉर्न यूज करके चटपटे से करारे से कैसे बनाया जाए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए बहुत ही पतला है, देखने में भी बहुत क्रिस्पी लग रहा है, टेस्टी भी बहुत बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार स्वीट। वेलकम एवरीवन, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे आपको जब भी बनाना है उससे 3 या 4 घंटे पहले आप थोड़ी सी मूंग दाल और थोड़ा सा जो इडली वाला राइस होता है मोटा वाला राइस उसे भिगो कर रख लें। सोक्ड दाल और चावल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपके पास मूंग दाल नहीं है तो आप इसमें तुअर दाल या फिर उड़द दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे 3-4 पानी में धो लिया था और फिर इसे भिगो कर रख दिया था 4-5 घंटों के लिए और अब हम इसे यूज कर लेंगे। तो चलिए अब ये जो सोक्ड दाल और राइस है इसे हम पीस लेंगे। ज्यादा पानी इस्तेमाल ना करें, सूखा सूखा इसे पीस लें। पानी वैसे लगने वाला है लेकिन हम बाद में यूज करेंगे। आपने जो भिगोने के लिए पानी यूज किया था उसे ना फेंकें, उसी को यूज करके हम बाद में इस बैटर को पतला करेंगे। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से लेफ्ट ओवर राइस पड़े थे, स्टीम राइस, मैंने वो डाले हैं। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो रहने दें, मुझे उनको यूज करना था इसलिए मैंने पीसते वक्त उन्हें भी इसमें डाल लिया और इसे बिल्कुल ही बारीक मैंने पीस कर रख लिया है। अब सेम मिक्सर जार में जिसमें हमने अब ये बैटर पीसा है उसमें थोड़ा सा डालेंगे प्याज, 4-5 कलियां लहसुन की, 2 मैंने हरी मिर्च ले ली है। अगर बच्चे खाने वाले हैं तो आप ना डालें, बाद में थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ 1 कप स्वीट कॉर्न, ये बॉइल्ड कॉर्न है। आप चाहें तो अगर बॉइल्ड नहीं है तो एकदम ताजा अगर भुट्टा आपके पास है तो उसे भी छील कर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब क्वांटिटी वगैरह इसमें कुछ फिक्स नहीं है, आप कॉर्न ज्यादा डालें और दाल चावल कम डालें या फिर वो ज्यादा डालें ये कम डालें, ऐसे आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसे मैंने पीस लिया है, पीसने के बाद इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे, यानी कि दाल चावल का जो बैटर था वो और ये। और अब जो मिक्सर में थोड़ा लगा हुआ रह जाता है वो हम फेंकेंगे नहीं, उसमें पानी डालकर जो आपने भिगोने के लिए पानी यूज किया था वो वाला पानी लेकर उसे धोकर इस तरीके से बीच में डाल दें। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल डोसे जैसी हमें रखनी है, बहुत मोटी नहीं बहुत पतली नहीं। इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम सीजनिंग डालेंगे, नमक वगैरह। आप चाहें तो पीसने के बाद इसे 1-1.5 घंटा बाहर रखकर फिर डोसा बना सकते हैं, और अगर आपको सीधा ही बनाना है तुरंत बनाना है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है और साथ में स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपने हरी मिर्च नहीं डाली है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर तभी डालें जब आप फर्मेंट नहीं करते, यानी कि इसे कम से कम 1-2 घंटे के लिए ऐसे साइड में नहीं रखते हैं, तब आपको बेकिंग पाउडर से थोड़े से फ्लफी और अच्छे बनेंगे। तो अब थोड़ा सा और पानी डाल लिया है, डोसे की कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनके ये बिल्कुल रेडी है। अब तैयार करेंगे डोसास। डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैं नॉन स्टिक तवा यूज कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं पहली बार बना रहे हैं तो वही यूज करें, अगर आप एक्सपर्ट हैं तब तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि डोसा किस तरीके से बनता है, आप दूसरे नॉर्मल तवे पे भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिगनर्स के लिए बता दूं कि डोसा तवा थोड़ा मीडियम हॉट होना चाहिए, फिर उसके ऊपर पानी के छींटे डालें ताकि ऊपर की जो लेयर है वो तवे की ठंडी हो जाए, फिर बहुत ही आसानी से डोसा करछी से फैलता है। अगर आपसे फिर भी नहीं फैल रहा तो बैटर को बहुत ज्यादा पतला कर लें। बैटर को तवे पे डालने के बाद तवे को ऐसे गोल गोल घुमाएं ताकि जो बैटर है वो फैल जाए, और फिर थोड़ा सा हल्का सा करछी से आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर आपको पकाना है जब तक कि ऐसा गोल्डन नहीं हो जाता, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन क्रिस्पी करें तभी ये टेस्टी लगेगा। अगर आपने थोड़ा सा स्पॉन्जी रखा तो आपको ये बहुत बढ़िया टेस्टी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से क्रिस्पी होने तक वेट करें और बाद में सर्व करें, भले केचप के साथ या फिर किसी भी आपकी मनपसंद चटनी के साथ। तो यही थी सिंपल सी रेसिपी कॉर्न डोसा की।